Hello guys, welcome again to my YouTube channel. Today I'll be discussing about TGT Medical Paper which held on 30th November 2020. I will read the questions bilingually and I will not read options. So please don't forget to like, subscribe and to share my channel as you can give your biggest support to us by doing this. So let's start our first question is mona's shows.

नेक्स्ट है हमारा ग्जायलम इन जिम्नोस्पॉम्स लैक वेसल्स ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन अनावृत बीजी के दारू में वाहिकाओं का अभाव होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिफ्नोगी अकर्स इन एक बीजी में भी होती है दई बीजी में भी होती है अनावृत बीजी में भी होती है मोनोकॉट्स में भी होती है डाईकॉट्स में भी एंड जिम्नोस्पॉम्स में भी सो so यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन है लेमिनेरिया इज सो इट इज अ केल्प डी विल भी द करेक्ट ऑप्शन लेमिनेरिया है एक कैल्प सिक्स क्वेश्चन इज एपोफाइसिस इज द कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया इज लोअर पार्ट फ्यूनोरिया के संपुट में एपोफाइसिस है निचला भाग बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर इनफोन स्पोरजियम द नंबर ऑफ स्पोर्ट इज परनाग बीजाणु धानी में बीजाणुओं की संख्या है सिक्सटी फोर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीफी गैमिटोफाइट्स अकर इन ब्रायोफाइट्स ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन पत्तीदार युग्मोभिद उत्पन्न होता है ब्रायोफाइट में नाइन्थ क्वेश्चन इज मॉस प्लांट्स डेवलप्स फ्रॉम प्रोटोनिमा सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन मॉस पादप विकसित होते हैं प्रथम तंतु से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंड्यूशियम अकर इन इंड्यूशियम उत्पन्न होता है पटेरिस विल भी द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी इलेवेंथ क्वेश्चन इज विच वन इज द अर्लिएस्ट लैंड प्लांट कुक सोनिया विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए कौन सा एक प्रारंभिक भूपादप है कुक सोनिया नेक्स्ट ट्वेल्थ क्वेश्चन है फ्यूल्जन टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर डी एन ए बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फ्यूल्जन टेस्ट इसके लिए विनिदृष्ट है डी एन ए के लिए बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन थर्टींथ क्वेश्चन इज प्रोटोप्लाज्म इज सो इट इज अ क्रिस्टेलोकोलाइडल

पर ऑक्सीकाय उत्पन्न होती है पर्ण मध्योतल कोशिका में नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेफिनोज इज अ ट्राईसेक्राइड रेफिनोज है एक ट्राई सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन एटीन क्वेश्चन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी इज कोलाजन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर प्रोटीन है कोलाजन नाइन्टींथ क्वेश्चन इज विच अमीनो एसिड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव ग्लाइसिन कौन सा अमीनो एसिड प्रकाशिक सक्रिय नहीं है ग्लाइसिन विल बी द करेक्ट ऑप्शन ट्वेंटी क्वेश्चन इज सेल टर्जिडिटी इज कॉज बाय एंडोस्मोसिस सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन कोशिका स्फीति इसके कारण होती है अंत परासरण के कारण ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन इज फोर्स फॉर एक्टिव वाटर एब्जॉर्बन इज प्रेजेंट इन रूट सक्रिय जल अवशोषण के लिए बल उपस्थित रहता है मूल में ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन इज क्रिटिकल एलिमेंट्स आर नाइट्रोजन पोटेशियम एंड सोडियम सॉरी नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर क्रांतिक तत्व है नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन है द सबस्ट्रेट फॉर फोटो रेस्पिरेशन इज करेक्ट ऑप्शन इज बी ग्लाइकोलेट प्रकाश श्षण का क्रियाधार है गाइकोडेट नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेरिडॉक्सिन इज द कॉन्स्टिट्यूश ऑफ पी एस वन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन फेरिडॉक्सिन इसका घटक है पीएस वन का ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन इज विच सेल डज नॉट रिस्पायर कॉर्क सेल विल बी द करेक्ट ऑप्शन डी कौन सी कोशिका सांस नहीं लेती है कॉर्क कोशिका ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन

हाइड्रोजोआ विल बी द करेक्ट ऑप्शन निम्न में से कौन सा वर्ग बहुरूपता दर्शाता है हाइड्रोजोआ थर्टीएथ क्वेश्चन इज लिम्बलेस एम्फीबियन इज विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी पाधीन उभयचर है इक्तिफिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन है द आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड पेरी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी उपस्थि का बाहरी आवरण कहलाता है हैडियम थर्टी सेकेंड क्वेश्चन है अर्थवॉर्म्स रिप्रोड्यूस प्राइमरली बाय क्रॉस फर्टिलाइजेशन केंचुए प्राथमिक रूप से प्रजनन करते हैं संकर निषेचन द्वारा बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कट चीविंग एनिमल्स आर ह्यूमिनेट्स ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर जुगाली करने वाले प्राणी कहलाते हैं रोमंथी नेक्स्ट थर्टी फोर्थ क्वेश्चन अवशोषण होता है करेक्ट ऑप्शन इज बी का नेक्स्ट इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन श्वास अनुचलनी केंद्र उपस्थित होता है पॉन्स वेरोली में ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन थर्टी सिक्स क्वेश्चन इज एम्फीमा इज एम्फाइसीमा है एक नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर नेक्स्ट इज थर्टी सेवेंथ क्वेश्चन कैरोटिड लेब्रंथ कंटेन्स कीमो रिसेप्टर्स विल बी द करेक्ट ऑप्शन ग्रीवा गहन में होता है कीमो रिसेप्टर थर्टी एथ क्वेश्चन है ऑस्मो रेगुलेशन इज द फंक्शन ऑफ करेक्ट ऑप्शन पराशरण नियमन किसका कार्य है फ्रैक्चर इज एसोसिएटेड विद कूले अस्थिभंग किससे संबंधित है रेडियस से बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट फोर्टी एथ क्वेश्चन इज इनोमिनेट इज सो इट इज अ पार्ट ऑफ़ अ स्कैलेटन एन एन आर्ट्री सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन अनामी है कंकाल का एक भाग और एक धमनी नेक्स्ट इज बोमैन ग्लैंड आर फाउंड इन ऑलफैक्ट्री एपिथीलियम ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन बॉमैन ग्रंथियाँ पाई जाती है घ्राण उपकला में नेक्स्ट क्वेश्चन है एपाइनफ्राइन इज सिक्रेटेड बाय एपिनेफ्रीन किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है एड्रीनल मेड्यूला विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए नेक्स्ट इज फोर्टी थर्ड क्वेश्चन कॉर्पस स्प इज फाउंड इन पेनिस इज द करेक्ट ऑप्शन स्पंजी पिंड पाया जाता है शिश्न में नेक्स्ट फोर्टी फोर्थ क्वेश्चन पोलर बॉडीज आर फॉर्मड ड्यूरिंग ऊ जेनेस विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी ध्रुवीय पिंड इसके दौरान बनते हैं अंड जनन के दौरान नेक्स्ट क्वेश्चन द एंडोमिट्रियम इज द लाइनिंग ऑफ यूट्रस सी विल करेक्ट ऑप्शन अंत स्तर इसका अस्तर है गर्भाशय का नेक्स्ट फोर्टी सिक्स क्वेश्चन इज डिविजन ऑफ ह्यूमन एग्स इज सो होलोब्लास्टिक एंड अनईक्वल ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन मानव अंडे का विभाजन होता है पूर्ण भंजी और आसमान फोर्टी सेवेंथ क्वेश्चन इज सर्वाइकल कैप्स आर मेंट फॉर बर्थ कंट्रोल ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर ग्रीवा आच्छ इसके साधन है जन्म नियंत्रण के धारण दिखाई देता है ग्रास ओपर में टिड्डे में ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर एन ए पॉलिमरिस्ट टू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एच एन आर एन ए विल द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी फिफ्टी क्वेश्चन इज कॉस्मोजोइक थ्योरी वॉज प्रोपोज बायटर विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए कॉस्मोजोइक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिड एंड मोलस्क इज सो हेयर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन न्योपाइलिनिया एनलिड और मोलस्का के बीच संयोजी कड़ी है न्योपाइलिनिया नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंटीबॉडी इनिशिएट्स एलर्जिक रिएक्शन कौन सा प्रतिरक्षी एलर्जी प्रतिक्रिया प्रारंभ करता है आई जी ई विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्वल प्लांट पैथोजेंस कैन बी कंट्रोल्ड बाय विच बायो कंट्रोल एजेंट किस जैव नियंत्रण अभिकर्मक द्वारा अनेक पादप रोग नियंत्रित किए जा सकते हैं करेक्ट ऑप्शन इज ट्राइकोडर्मा बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट इज 54th क्वेश्चन अ फ्री लिविंग एनरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम इज क्लॉस्ट्रीडियम इज द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी मुक्त जीवो अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरिक जीवाणु है क्लॉस्ट्रीडियम नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज नॉट अ टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इंट्रॉन्स विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी कौन सा प्रयोग डीएनए तकनीक का साधन नहीं है इंट्रॉन नेक्स्ट इज आर मोर कॉमन इन विल बी द करेक्ट वन कवक मूल अधिक आम है अल्प पोषी मृदा में फिफ्टी सेवेंथ क्वेश्चन इज पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट तृणभूमि पारिस्थितिकी में संख्या का पिरामिड होता है अपराइट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फिफ्टी एट्थ क्वेश्चन इज विच एनिमल इज द सिंबल ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड रेड पांडा बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा प्राणी है नेक्स्ट फिफ्टी नाइन्थ क्वेश्चन इज कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज एश्रीचिया कोलाई सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव है एश्रिचिया कोलाई नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीमोसील अकर्स इन अर्थोपोडा विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर ऑप्शन डी रक्त गुहा किसमें पाई जाती है अर्थोपोडा में सिक्सटी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पॉन्स आर एमोनोटेलिक विल बी द करेक्ट ऑप्शन स्पंज होते हैं अमोनिया उत्सर्जी सिक्सटी टू क्वेश्चन है हमारा फ्रेश वाटर पॉलिप इज हाइड्रा अलवन जल पॉलिप है हाइड्रा ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन सिक्सटी थ्री क्वेश्चन है सेगमेंट्स ऑफ टेप वॉम आर कॉल्ट कृमि के खंड कहलाते हैं प्रोग्लोटेड विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंसाइटल एपिडर्मस अकर्स इन एस्केरिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर इसमें बहु केंद्र की अधिचर्म पाई जाती है ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन एस्केरिस नेक्स्ट इज सिक्सटी फाइव हैज टू डिजिट्स ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑस्ट्रिच के प्रत्येक पाद में होती है दो असमान उंगलियां नेक्स्ट सिक्सटी सिक्स क्वेश्चन है स्नेक लैक टिम्पैनम विल बी द करेक्ट ऑप्शन सांपों में इसका अभाव होता है कर्णपट का नेक्स्ट सिक्सटी सेवन क्वेश्चन इज हाइला इज सो इट इज अ ट्री फ्रॉग हाइला है एक वृक्ष मेंढक ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन सिक्सटी एट क्वेश्चन है हमारा शार्क्स आर ओवोविपेरस सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन शार्क होती है अंड नेक्स्ट सिक्सटी नाइन्थ क्वेश्चन इज ई वेस्केशन फाउंड इन अंतर क्षेपण इसमें पाया जाता है इकाइनो में ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ मोल्स इन जीरो पॉइंट सिक्स फोर ग्राम ऑफ एस ओ टू इज करेक्ट ऑप्शन इज ए ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निम्न में से किस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की सर्वाधिक संख्या होती है एफ ई टू प्लस डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन द लॉ ऑफ ऑक्टिव्स वॉज गिवन बाय करेक्ट ऑप्शन है न्यू लैंड्स सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर नेक्स्ट इज सेवेंटी थ्री क्वेश्चन

कौन सा एक गहन गुण है सॉरी तापमान विल बी द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट इज सेवेंटी सिक्स क्वेश्चन द पी एच ऑफ जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन मोलम एन एच सॉल्यूशन इज सो करेक्ट ऑप्शन इज डी इलेवन ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कार्बन इन द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज सी एफ फोर करेक्ट ऑप्शन किसमें कार्बन न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है सी एफ फोर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मैलिटी ऑफ थर्टी वॉल्यूम एच टू ओ टू इज B will be the correct option. 5.336. पॉइंट थ्री थ्री सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल इज सीजियम will be the correct option. सर्वाधिक विद्युत धनात्मक धातु है सीजियम नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ साइक्लिक कंपाउंड आइसोब्यूटाइलिन विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी कौन सा चक्रिय यौगिक नहीं है आइसोब्यूटाइलिन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज शोन बाय ब्यूटेनल टू इज द करेक्ट ऑप्शन ब्यूटेनॉल टू प्रकाशिक समावता को इससे दर्शाया जाता है ब्यूटेनॉल टू से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाइलस्टाइंस टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ हेलोजन्स विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी किसकी पहचान के लिए बाइल्स्टाइन परीक्षण किया जाता है हेलोजन्स के लिए किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट इन इथाइन विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी किसमें कार्बन कार्बन बंद लंबाई सबसे छोटी होती है इथाइन में नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस द रेशो बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर एंड रेडियस ऑफ एन एटम इज सरल धनीय जालक में निकट प्रतिवेशी के बीच दूरी और परमाणु की त्रिज्या के बीच अनुपात होता है सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन टू रेशो वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर इज द करेक्ट वन निम्न में से कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म है बी परासरणी दाब नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन इट गेट ऑक्सी ऑक्सीडाइज्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन आंसर की में सी सब्लाइंड दिया गया है आंसर की में बहुत क्वेश्चंस गलत भी दिए गए हैं नेक्स्ट आंसर इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इज 100 मिनट इन 400 मिनट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ टू ग्राम विल बिकम सो करेक्ट ऑप्शन इज 0.125 ग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्पल ऑफ कैशियस इज कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन सी नेक्स्ट इज कॉपर इज रिफाइंड बाय कॉपर को परिशोधित किया जाता है विद्युत अपघटनी पद्धति से इलेक्ट्रोलिटिक मेथड सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लीचिंग एक्शन ऑफ एसो टू इज ड्यू टू रिडक्शन एसो टू की विरंजन क्रिया इसके कारण होती है अपचयन के कारण नेक्स्ट इज कैलोमेल इज सो एच जी टू सी एल टू कैलोमोल है एच डी टू सी एल टू ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ लीगेंट्स विच आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल आयन इज नोन एज कॉर्डिनेशन नंबर विल बी द करेक्ट ऑप्शन लिंगेंट की संख्या जो धातु आयन से सीधी जुड़ी होती है इसमें जानी जाती है समन्वय संख्या से नेक्स्ट इज गैमेक्सेन इज द नेम गिवन टू सी सिक्स एच सिक्स सी एल सिक्स विल बी द करेक्ट ऑप्शन गैमेक्सेन इसको दिया गया नाम है सी सिक्स एच सिक्स सी एल सिक्स सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन नाइंटी फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक एसिड इज द मोस्ट एसिडिको ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन निम्न में से कौन सा सर्वाधिक अमलीय है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इजनो हिपनोटिक नाइंटी फाइव क्वेश्चन सो इट्स का करेक्ट ऑप्शन है पैरा एल्टिहाइड बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन निम्न में से कौन साप्नोटिक है पैरा हेल्डिइडी द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी नेक्स्ट इज एनोलिन इज प्योरीफाइड बाई सो इट इज प्योरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन एनोलीन को इससे परिशोधित किया जा सकता है भाप आसवन के द्वारा नेक्स्ट इज नाइंटी सेवंथ क्वेश्चन हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर इज कॉल्ड इन वर्जन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी शर्करा का जल अपघटन कहलाता है प्रतिलोमन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेक्सी ग्लास इज अ कॉमर्शियल नेम ऑफ सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन पॉलीमिथाइल मिथैक्रिलेट नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइंटी नाइन क्वेश्चन है इक्विनिल इज ट्रांकलाइजर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन एक्वेनिल है प्रति ऐवसायिक नेक्स्ट इज अ नॉर्मल चाइल्ड ऑफ ट्वेल्व ईयरस ऑफ एज इज मोस्टली लाइक टू बी ईगर फॉर peer अप्रूवल विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए बारह वर्ष आयु के बच्चे में अधिक संभावना होती है सहयोगी हो पसंदगी की उत्सुकता की नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ education इज मेड वोकेशन oriented दिस विल लीड टू यदि शिक्षा को व्यवसाय उन्मुख बनाया जाता है तो इसका परिणाम होगा अध्ययन में छात्रों की रुचि में वृद्धि इंक्रीज ऑफ इंटरेस्ट ऑफ़ स्टूडेंट्स इन स्टडीज नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रू ऑब्जेक्टिव ऑफ़ एजुकेशन इज फैसिलिटेटिंग द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है छात्रों के सर्वागीण विकास में मदद करना नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु द द ऑफ़ के क्षेत्र में परिणामवाद के द बेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट इज दैट इट प्रोवाइड्स द टीचर विद डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन समूह बुद्धि परीक्षण के लिए उत्तम तर्क है कि शिक्षक को निदाना सूचना प्रदान करती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑफ मेंटल रिटार्डेशन सो पुअर इंटरपर्सनल रिलेशन विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर निम्न में से कौन सा मानसिक मंदता का लक्षण नहीं है खराब अंत संबंध विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिक एजुकेशन इज एक्टिविटी बेस्ड स्टूडेंट बेस्ड हैंडीक्राफ्ट बेस्ड डी ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट ऑप्शन बुनियादी शिक्षा है गतिविधि आधारित छात्र आधारित हस्तशिल्प आधारित यह सभी डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोटिवेशन इज सो इट इज अ साइकोलॉजिकल स्टेट डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन अभिप्रेरण है एक मनोवैज्ञानिक अवस्था नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द टीचर प्रिपेयर टीचिंग प्लान फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास देन ही हैज टू कीप इन माइंड द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी जब एक शिक्षक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है तो उसे ध्यान रखना होता है उसके छात्रों की आयु और उसके छात्रों की मानसिक आयु सो बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी विलेक्ट वन हैर्निंग डिसबिलिटीज में अकर्ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट

नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश रॉन्गटोंग विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना है रोंगटोंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुगती पास कनेक्ट्स भरमौर विद लाहौल विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी कुगती दर्रा भरमौर को किससे जोड़ता है लाहौल से नेक्स्ट इज शीताधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश सो कुल्लू विल बी द करेक्ट ऑप्शन शीताधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है कुल्लू में नेक्स्ट वन हंड्रेड फोर्टीन क्वेश्चन इज कोपरा वाटर स्प्रिंग इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश सो इट इज सिचुएटेड इन कांगड़ा ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन कोपरा झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है कांगड़ा में है नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाई दो ना पाई वॉज द स्लोगन ऑफ विच मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश पझोता विल बी द करेक्ट ऑप्शन भाई दो ना पाई हिमाचल प्रदेश में किस आंदोलन का नारा था पझोता आंदोलन का बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर 1946 विल बी द करेक्ट ऑप्शन हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिलिंग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी नाइनटीन में नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बिलासपुर विल बी द करेक्ट ऑप्शन

करेक्ट ऑप्शन इज ए 2010 में 2010 नेक्स्ट क्वेश्चन इज दून वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश दून घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है सोलन इज द करेक्ट ऑप्शन कुंत भयोग लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कुंत भयोग झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है मंडी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर ए विल बी द करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्रीकल्चरल कॉपरेटिव स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है सागती इज द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी नेक्स्ट इज बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बुक इज रिटर्न बाय Anand Chand is the correct option. Option D. Bilaspur, past, present, and future. Pustak kisne likhi thi? Anand Chand Next question is: Dangi is a folk dance of Chamba. D will be the correct option. Dangi lok nritte hai Chamba ka. Next question is: In a certain code, 721 means good college life, 526 means you is good, and 257 means life is good. Then, which of the following word is used for you? सो बी बी विल द करेक्ट ऑप्शन किसी निश्चित कोट में सात सौ इक्कीस का अर्थ गुड कॉलेज लाइफ 526 सौ छब्बीस का अर्थ यू इज गुड और दो सौ सत्तावन का अर्थ लाइफ इज गुड तब निम्न में से यू के लिए क्या प्रयुक्त हुआ है बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन सिक्स Next question is 126th. In the following number series, how many 3 are there which are preceded by an odd number and followed by an even number? You can pause the video, try to solve the question, and then check the answer whether it is right or wrong. So, a the correct option: A3 so there are 41 steps in a temple in the same time surendra comes down four steps virendra goes up two steps if they start simultaneously and keep their speeds uniform then at which step from the bottom will they meet so correct option is seventh step एक मंदिर में इकतालीस सीढ़ियां हैं समान समय में सुरेंद्र चार सीढ़ी उतरता है वीरेंद्र दो सीढ़ी चढ़ता है यदि वे एक साथ शुरू करते हैं और अपनी गति एक सी रखते हैं तो नीचे से किस सीढ़ी पर वे मिलेंगे सातवीं ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए इज़ द मदर ऑफ बी सी इज़ द फादर ऑफ़ बी एंड सी हैज़ थ्री चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ करेक्ट ए माता है बी की सी पिता है बी का और सी के तीन बच्चे हैं इस सूचना के आधार पर निम्न में से कौन सा संबंध सही है सो so, इनमें से कोई नहीं है डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम बॉयज़ आर सिटिंग इन अ रो पी इज़ फोर्टीन फ्रॉम द लेफ्ट एंड एफ इज़ सेवेंथ फ्रॉम द राइट इफ़ देर आर फोर बॉयज इन बिटवीन पी एंड एफ देन हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो कुछ लड़के पंक्ति में बैठे हैं पी बाए से चौदवा है और एफ दाए से सातवां हैं यदि पी और एफ के बीच चार लड़के हैं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं करेक्ट ऑप्शन इज ट्वेंटी फाइव डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म टू कन्वीन द बिजनेस कम्युनिटी टू सपोर्ट फॉर कोविड 19 किस वैश्विक संगठन ने हाल ही में कोविड 19 के समर्थन के लिए व्यावसायिक समुदाय के मिलन के लिए कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म प्रारंभ किया है करेक्ट ऑप्शन इज विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड बैंक हैज़ रिसेंटली साइंड एन डॉलर एटी मिलियन लोन एग्रीमेंट विद विच इंडियन स्टेट टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन इट्स ग्राम पंचायत विश्व बैंक ने हाल ही में किस भारतीय राज्य के साथ उसकी ग्राम पंचायतों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए 80 मिलियन डॉलर ऋण समझौता हस्ताक्षरित किया है करेक्ट ऑप्शन इज हिमाचल प्रदेश ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म्स ऑफ तारामती एंड प्रेमामती विच वर इन न्यूज़ रिसेंटली आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट तारामती और प्रेमामती के मकबरे जो हाल ही में समाचारों में थे किस भारतीय राज्य में स्थित है करेक्ट ऑप्शन इज तेलंगाना सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंकिता रैना हु वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स अंकिता रैना जो हाल ही में समाचारों में थी किस खेल से संबंधित है टेनिस से डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक टाइटल एडवेंचर्स ऑफ अ डेयर डेविल डेमोक्रेट नरेट द स्टोरी ऑफ विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हाल ही में एंडिवर्स ऑफ ए डेयर डेविल डेमोक्रेट शीर्षक वाली प्रकाशित पुस्तक किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री की कहानी बताती है सो करेक्ट ऑप्शन इज बीजू पटनायक बी बी विल द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट इज हु द लास्ट नंदा रूलर अंतिम नंद शासक कौन था करेक्ट ऑप्शन इज धनानंद नेक्स्ट क्वेश्चन इज पद्मिनी वॉज द क्वीन ऑफ पद्मिनी रानी थी चित्तौड़ की डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैटल ऑफ कन्नौज टुक प्लेस इन विच ईयर कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में हुआ था करेक्ट ऑप्शन इज सी फिफ्टीन फोर्टी नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था करेक्ट ऑप्शन इज बी लॉर्ड विलियम बेंटिक नेक्स्ट इज जेट स्ट्रीम ग्लोज इन विच डायरेक्शन सो करेक्ट ऑप्शन इज ए वेस्ट टू ईस्ट जेट धारा किस दिशा में बहती है पश्चिम से पूर्व की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंपास इज अ ग्रास लैंड ऑफ विच कंट्री पंपास किस देश की तृणभूमि है करेक्ट ऑप्शन इज डी अर्जेंटीना नेक्स्ट इज विच इज द स्मॉलेस्ट ओशियन आर्टिक क्वेश्चन विल बी द करेक्ट वन सबसे छोटा महासागर कौन सा है आर्टिक महासागर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाग टिब्बा माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच कंट्री नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है करेक्ट ऑप्शन इज नेपाल डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूरत इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर सूरत किस नदी के तट पर स्थित है करेक्ट ऑप्शन इज ताप्ती बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रावत भाटा न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज लोकेट इन विच स्टेट रावत भाटा शक्ति संयंत्र किस राज्य में स्थित है? करेक्ट ऑप्शन इज़ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स द प्रियाल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड सो फार अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है करेक्ट ऑप्शन इज वन एक बार नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया इज भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है करेक्ट ऑप्शन इज नाइन नेक्स्ट इज विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टर्म्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया था करेक्ट ऑप्शन इज इनमें से कोई नहीं नेक्स्ट इज द थ्री टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राजमेंडेड बाई विच कमेटी बलवंत राय मेहता कमेटी ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की अनु, अनुशंसा किस समिति द्वारा की गई है बलवंत राय मेहता समिति नेक्स्ट क्वेश्चन इज से बी एस सी बी आई वॉज सेटअप इन विच ईयर से बी एस सी बी ई एस सी बी आई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी नाइनटीन एटी एट में बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज अ डायरेक्ट टैक्स कौन सा प्रत्यक्ष कर है वेल्थ टैक्स डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन संपत्ति कर विच इज यूज एज अ शेविंग मिरर शेविंग दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है करेक्ट ऑप्शन इज कनकेव मिरर अवतल दर्पण एंटोनिम ऑफ कैप्रिशियस इज करेक्ट ऑप्शन इज रिलायबल Next question One word substitution for a person who believes that pleasure is the chief good is. Correct option is hedonist. C will be the correct option. Next is My father was too dashed to push open the heavy door. So, my father was too feeble to push open the heavy door. C will be the correct option. Next question is Meaning of the idiom to have an X to grind is.

सी बेजती करना नेक्स्ट इज मेटामॉर्फोस इज स्टडीड अंडर एम्ब्रियोलॉजी ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन का का अध्ययन इसके अध्य, इसके अधीन किया जा सकता है एम्ब्रियोलॉजी नेक्स्ट इज 161 क्वेश्चन मेज इज़ अ टेक्सॉन वर्गक है टी विल बी द करेक्ट ऑप्शन इंजेस्टिव न्यूट्रिशन इज सो करेक्ट ऑप्शन इज हेट्रोट्रॉपिक डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन अंतर्ग्राही पोषण है हेट्रोट्रॉपिक 163 क्वेश्चन है टी एम वी इज अलिकल वायरस सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन कुंडलनी वायरस नेक्स्ट इज साइनोबैक्टीरिया इज द मॉडर्न नेम ऑफ सो करेक्ट ऑप्शन इज सी मिक्सोफाइसी साइनोबैक्टीरिया किसका आधुनिक नाम है मिक्सोफाइसी का सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर नेक्स्ट इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर नाइट्रोकारी जीवाणु है कीमोसिंथेटिक सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन अ कंजर्वड स्ट्रक्चर इज अ फ्लैजिलम सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन संरक्षित संरचना है कशाब नेक्स्ट इज इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इज करेक्ट ऑप्शन इज फोर्टीन डेज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का उष्मायन काल है चौदह दिन नेक्स्ट इज अ क्रुस्टोस लाइकन इज सो इट इज़ अ ग्रेफिस डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर परपटमिया लाइकन है ग्रेफिस नेक्स्ट इज अर्गट इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम सो क्लैविसेप्स इज द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी अर्गट इससे प्राप्त होता है क्लैविसेप्स से नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन है हमारा बिकेन डिजीज इज कनेक्टेड विद डिस्कवरी ऑफ जिब्रिलिक एसिड बैकेन रोग इसकी खोज से संबंधित है जिब्रिलिक एसिड विल बी द करेक्ट वन सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड टू शेयर माय चैनल कीप सपोर्टिंग कीप मोटिवेटिंग थैंक यू